नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे तो कई सारे कलाकार हैं जो अपने गानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और गानों को लेकर वो काफी ज्यादा लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बने रहते हैं, लेकिन उन सब में सबसे परे खेसारी लाल यादव हैं। वो अपने गाने, फिल्में, एल्बम्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन उनके जो सोशल काम है, सामाजिक कार्य है, उसको लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। आपको याद होगा कि छपरा में किसी कई लोगों का घर जल गया था तो खेसारी लाल यादव ने बंद लिफाफा में पैसे डालकर लोगों की मदद किया था। इसके अलावा ट्रैक्टर, एम्बुलेंस और गरीब लोगों को कंबल बांटते आप सभी को देखा गया होगा। खेसारी लाल यादव का जब शो होता है उससे पहले भी वो बड़े कारनामे करते हैं, गरीब लोगों के बीच जाते हैं, कभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तमाम तरीके के ऐसे कार्य करते हैं जो लोगों को काफी ज्यादा लुभाता है, पसंद आता है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जिसके पास सक्षमता है, जो जिसके पास काफी पैसे हैं, उनको इस तरीके के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और मदद करनी चाहिए। इस कड़ी में खेसारी लाल यादव, आपको पता होगा कि अखिलेश कश्यप के गृह प्रवेश में गए हुए थे और उस समय खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा घोषणा किया और बड़ा घोषणा यह था कि खेसारी लाल यादव का 15 मार्च को जन्मदिन आने वाला है, 15th ऑफ मार्च को जन्मदिन है, तो 14 तारीख को वो बिहार के जितने भी विकलांग लोग हैं उनको वो साइकिल बांटने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बात करें तो बड़ी खबर है और ये बहुत अच्छी खबर है कि खेसारी लाल यादव जिस तरीके से अपने गानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, इस तरीके से वो लोगों के बीच जो है एक मसीहा के तौर पर भी जाने जाते हैं। और खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके का अनाउंस किया है कि 14 तारीख को जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती है उतने हैंडीकैप्ड यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनको वो मदद करेंगे और उनको जो चलने के लिए साइकिल वगैरह है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते नजर आएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जन्मदिन पर बड़ी बड़ी पार्टियों करने का शौक नहीं है और इस तरीके से निशाना भी साध दिया। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि उनको बड़ी पार्टी का शौक नहीं है बल्कि गरीबों की मदद करें, उस पैसे से किसी का भला हो, ये खेसारी लाल यादव चाहते हैं। यही सोच जो है खेसारी लाल यादव को यूनिक बनाती है, अलग बनाती है और शायद इसीलिए खेसारी लाल यादव को लोग जो है वो गाने सुनते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन दिल से भी खेसारी लाल यादव को प्यार देते हैं। बाकी खेसारी लाल यादव के इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।